कुड़मी कुड़मी जो समुदाय है उनके द्वारा जो आदिवासी होने का दावा जिस तरह से किया जा रहा है वो एक सिरे से हम लोग सब जान रहे हैं कि उनकी मांगे और उनका दावा बिल्कुल नाजायज है। निश्चित रूप से आदिवासियों का अस्तित्व का सवाल है, जो उनके जो है जमीन का सवाल है, उसका धर्म कोड का सवाल है, हमारी बेटी बहन को हमारे जो है तमाम जमीन से लेकर तमाम चीज लूटने का सवाल है। जनगणना के प्रपत्र से, जो प्रस्तावित जनगणना के प्रपत्र से हमारा जो कोड, जो आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने अलग हमें कॉलम कोड में रखा था और आज़ादी के बाद भी जो हमें अदर्स, जो सातवें कोड जो हमें मिला था, उसको विलोपित कर दिया गया, हटा दिया गया है। यह इस रैली की जरूरत क्या है, क्यों आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है और इसी अभियान के तहत कैसे लोगों को, शहर के लोगों को कैसे उतारेंगे, यहाँ के लोगों कैसे लोग बीच जनजागरण करेंगे। कुड़मी कुर्मी जो महतो लोग जो आदिवासी दर्जा मांग कर रहे हैं वो हमारे भाई है, अलग नहीं है, यहाँ के मूलवासी हैं, हम उनको भाई की तरह मानते हैं। वो अपने हक अधिकार की बात करें, हम उसके साथ चलने के तैयार हैं और उसके हक अधिकार के लिए हम भी उसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे और उसके आंदोलन में हम भी भाग लेंगे। लेकिन जहाँ हमारा अधिकार की बात है, जो हम अपने अधिकार, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को सिर्फ और सिर्फ लोग छीनने और लेने के लिए ही आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे हैं। जो हमारे सामने, जो आदिवासी समाज के सामने मुख्य समस्याएं जिस तरह की खड़ी हो गई हैं, उसी में के लिए, उसी के विरोध में हम समस्त आदिवासी संगठन जो हैं, हमने आज बैठक की। हमें इससे पहले भी हमारी बैठकें हो चुकी हैं, आज भी हमारा जो इस बैठक का जो है तैयारी को लेके, कि 5 मार्च को जो हम लोग मोराबादी में जो एक विशाल रैली करने वाले, आक्रोश रैली, मुख्य बिंदु में है जो कुड़मी कुड़मी जो समुदाय है उनके द्वारा जो आदिवासी होने का दावा जिस तरह से किया जा रहा है वो एक सिरे से हम लोग सब जान रहे हैं कि उनकी मांगे और उनका दावा बिल्कुल नाजायज है। इसलिए समस्त आदिवासी समाज जो है वो आक्रोशित है और वो हम उसको दर्शाना चाहते हैं इस रैली के द्वारा। इसके अलावा हमारे जो एक और बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो है कि जनगणना के प्रपत्र से, जो प्रस्तावित जनगणना के प्रपत्र से हमारा जो कोड, जो आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने अलग हमें कॉलम कोड में रखा था और आज़ादी के बाद भी जो हमें अदर्स, जो सातवें कोड जो हमें मिला था, उसको विलोपित कर दिया गया, हटा दिया गया है। हमारी ये मांग है कि हम जो आदिवासी, जिनकी 15 करोड़ की आबादी है, जिनका अपना गौरवशाली इतिहास है, जिनको अंग्रेजों ने भी उनकी अपने, उनके स्वाभिमान को और उनके जो जुझारूपन को समझते हुए कई ऐसे जमीन संबंधी कानून जो बनाए, हमारी अपनी व्यवस्थाओं को भी यथावत रखने के लिए जो अनुसूचित क्षेत्र जो चिन्हित किए, जिसको संविधान में भी जगह दी गई अनुच्छेद 244(1) के 6 पैराग्राफों में, तो ऐसा समुदाय, ऐसा समाज आज अपनी पहचान को खो बैठा है जनगणना में, जहां हमारी पहचान को मिटाने के लिए हमारा जबरन जो है धर्मांतरण हिंदू धर्म में करने की पूरी तैयारी कर दी गई है। तो हम अपने मान सम्मान के तहत और अपने अधिकार के तहत हम उसको मांगने की भी बात जो है लगातार उठा रहे हैं कई वर्षों से, और इस रैली में भी ये प्रमुख बिंदु रहेगा इसका। और इसके साथ अलावा जो हमारे अन्य जो है रोजगार संबंधी, हमारे अन्य समस्याएं जो समाज में हमारी अपनी व्याप्त हो गई हैं, उसको भी इस जो रैली में हम लोग अपना जो है लोगों के बीच में रखेंगे। और तैयारी के तौर पे तैयारी शुरू हो गई है, गांव-गांव तक बातें जा रही हैं, लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से सरकार को, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हमारी इन समस्याओं को समझना होगा और संवेदनशीलता दिखाते हुए उसका निराकरण भी सरकार को करना है। नहीं तो हम चेतावनी, आदिवासी समाज जो इतना आक्रोशित हो गया, आज मरांगगुरु वाले भी जो घटना हुई है, जो हमारी धार्मिक आस्था को जो ठेस पहुंचाई गई है, और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारा हिंदूकरण करने की भी बात हो रही है, तो इन सब बातों को लेके हम लोग चेतावनी सरकार को देना चाहते हैं
कि और अगर हमारे जो इच्छा के विरुद्ध हमारे समाज के विरुद्ध अगर फैसले सरकारें लेती हैं तो उसका जो है परिणाम उनको आगामी चुनाव में भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। निश्चित रूप से आदिवासियों का अस्तित्व का सवाल है, जो उनके जो है जमीन का सवाल है, उसका धर्म कोड का सवाल है, हमारी बेटी बहन को हमारे जो है तमाम जमीन से लेकर तमाम चीज लूटने का सवाल है, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। तो निश्चित है कि हम लोग इससे चिंतित हैं और इसी के दिशा में आज हम लोग महानगर का बैठक किए थे कि भाई कैसे इस आंदोलन को जो है सफल बनाया जाए। तो इसके लिए जो हम लोग 5 मार्च का जो आदिवासी बचाव महारैली है उसको हम लोग बहुत जोरदार ढंग से हम लोग चाह रहे हैं कि भाई इसको सफल बनाएं और अपने अस्तित्व को बचाएं, यही मुख्य रूप से हम लोग का ये है। 5 मार्च की आदिवासी बचाओ महारैली के लिए विभिन्न जगह तैयारी हो रही है। रांची शहर के अंदर में रांची शहर के ही साथियों जैसे अजय तिर्की जी, कुंदर सिंह मुंडा जी, जनंजना हेरेन, अजीत कुजूर, ऐसे तमाम लोगों का हम लोग एक विस्तारित कमेटी बना रहे हैं हम लोग, और ताकि रांची शहर की जो तैयारी होगी इन लोग इस पर फोकस करेंगे और शहर के अंदर में विभिन्न वार्ड में विभिन्न मोहल्लों में ये इस रैली की जरूरत क्या है, क्यों आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है और इसी अभियान के तहत कैसे लोगों को शहर के लोगों कैसे उतारेंगे, यहाँ के लोगों कैसे लोग बीच जनजागरण करेंगे, इसी पर मूल बात फोकस है। आज का बैठक भी इसी संदर्भ में किया गया है, मूल बात यही रैली हमने कहा है। रैली में हम लोग ये रैली ऐतिहासिक और अभूतपूर्ण होगी और झारखंड के सभी जिलों से लोग आएंगे और बंगाल से और उड़ीसा के लोग भी यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्या क्या मुद्दा रखिएगा? मूल बात है, आपको सब पता है कि कुर्मी महतो समुदाय के द्वारा आदिवासियों की जो राजनीतिक हिस्सेदारी है, प्रतिनिधि है, जमीन है, उनके इतिहास है, तमाम छीनने के लिए एसटी बनने का, आदिवासी बनने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, उसी के संदर्भ में रैली है। उसके साथ और भी हमारे जो आदिवासी जो एजेंडा है उनको भी हम लोग फोकस करेंगे और गाँव जाएंगे, लोग भी जाएंगे। देखिए, जब चोर चोरी करता है ना तो कभी नहीं कहता कि हम कभी पकड़े जाएंगे, लेकिन साफ तौर से मनसा है कि जो लोग कुर्मी जो महतो लोग जो आदिवासी दर्जा मांग कर रहे हैं वो हमारे भाई है, अलग नहीं है, यहाँ के मूलवासी हैं, हम उनको भाई की तरह मानते हैं। वो अपने हक अधिकार की बात करें, हम उसके साथ चलने के तैयार हैं और उसके हक अधिकार के लिए हम भी उसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे और उसके आंदोलन में हम भी भाग लेंगे। लेकिन जहाँ हमारा अधिकार की बात है, जो हम अपने अधिकार जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को सिर्फ और सिर्फ लोग छीनने और लेने के लिए ही आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे हैं और ये कतई हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि आज अगर वो आदिवासी दर्जा मांगते हैं तो हमारा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी स्तर से आदिवासियों को नुकसान है। इसीलिए हम लोग किसी भी तरीके से आदिवासी दर्जा का मांगते हैं, उसका हम लोग विरोध करेंगे। अगले बार रघुवर दास के समय में भी हम लोग हरू मैदान में जुलूस करके किया था, इस बार भी हम लोग मोराबादी मैदान में जुलूस करके भारी से भारी संख्या में हम लोग उसका विरोध करेंगे। जो 5 मार्च के जो हम लोग को आदिवासी दिवस, आदिवासी महारैली, जो बचाओ आदिवासी महारैली होगा, ये ऐतिहासिक होगा। और आने वाले दिन में हम आपको ये भी सभी राजनीतिक पार्टी को बता देना चाहते हैं, अगर आदिवासी हित का बात नहीं करेंगे तो राज्य से लेकर केंद्र तक उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। आज़ादी हुआ, हमारा अलग राज्य हुआ झारखंड में, एक ऐतिहासिक रैली थी। और क्योंकि ये रैली एक सामाजिक रैली के तौर में होगा और इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती ये होगी कि गांव-गांव में जो हमारे धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन जो चलता है, चाहे माझी परगणे, चाहे मानकी मुंडा संघ, या पाढ़ा व्यवस्था, या ढोकलो सोहर, सभी की अपनी परंपरा से आएंगे। क्योंकि जो लोग आदिवासी बनना नहीं बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लालच के तौर पर 100 वर्ष पहले कहाँ थे और आज आपने जो है आदिवासी बनकर हमारी जो राजनीतिक हिस्सेदारी है, हमारी नौकरी का हिस्सेदारी है और हमारा जमीन को लेकर के आपका ज़्यादा नज़र है,
इसलिए रैली का एजेंडा हम समझते हैं कि 10 प्रस्ताव हम लोग लाएंगे, जिसमें से जमीन के मुद्दे होंगे, धर्म कोड के मुद्दे होंगे, हमारे अकेले भी मुद्दे होंगे, और सभी चीज़ों को लेकर के आदिवासी बचाओ महारैली मोराबादी मैदान में होगी, और ये बहुत ही ऐतिहासिक रैली से झारखंड ही नहीं पूरे देश के लोगों को बुलाएंगे प्रतिनिधि के रूप में, और कहेंगे कि आके देखिए कि कैसे झारखंड के आदिवासियों को उसकी संवैधानिक अधिकार लूटा जा रहा है, उसकी पहचान को लूटा जा रहा है, उसकी विरासत को लूटा जा रहा है। कम से कम छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हम समझते हैं कि देश के कोने कोने से आदिवासियों को प्रतिनिधि के रूप में हम लोग बुलाने काम करें।